हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू समाधान एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे AGTE भर्ती विज्ञापन को लेकर क्या अपडेट है, इसके बारे में जानेंगे। अभ्यर्थी मेरी बात ध्यान से सुने, 906 पदों की वजह से विज्ञापन फंसा हुआ है। जानकारी मिली है कि इस पर काम हो रहा है, काम होने के बाद जल्द इसे आयोग भेजा जाएगा। इस महीने विज्ञापन जारी होना मुश्किल है, लेकिन अगले महीने विज्ञापन जारी होने के पूरे चांस है। इस भर्ती के लिए कट ऑफ भी ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर आपके PT में 5 से 10 नंबर हैं, इससे भी कम हो सकते हैं, तब भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको मुख्य परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। आप सोच रहे होंगे कि कट ऑफ इतनी कम क्यों रहेगी, क्योंकि इस बार ज़्यादा अभ्यर्थियों ने PT नहीं दिया है। AGTE क्वालिफिकेशन को लेकर लगभग 62,000 अभ्यर्थियों ने PT 2021 दिया है। पदों की संख्या लगभग 3,500 है, 3,500। इसके समथिंग 15-20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा, तो 15-20 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी कट ऑफ को लेकर परेशान ना हो, मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी करते रहें। AGTE भर्ती विज्ञापन को लेकर आयोग में क्या हो रहा है, कार्मिक विभाग में इस टाइम क्या चल रहा है, भर्ती विज्ञापन और डिले ना हो, इसलिए AGTE के सभी अभ्यर्थी 20 सितंबर को लखनऊ जा रहे हैं। पहले अभ्यर्थी CM आवास जाएंगे, अपनी भर्ती के बारे में अवगत कराएंगे, CM को ज्ञापन देंगे। इसके बाद कार्मिक विभाग जाकर पता करेंगे कि कितना काम हो चुका है और कितना बाकी है। भर्ती विज्ञापन में कितना टाइम लगेगा, इसकी जानकारी ली जाएगी। इसलिए 20 सितंबर को सभी अभ्यर्थियों को पहुँचना है और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचना होगा। ये आपके हक की लड़ाई है, इसलिए सबको साथ आना होगा। ये बात सभी अभ्यर्थियों तक पहुंचाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थियों तक इस बात को पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी आपकी है। और भी कोई अपडेट मुझे मिलती है तो मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश ज़रूर करूंगी। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।